नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। जनवरी में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर निकली खुदरा महंगाई दर। बीते महीने रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा 6.52% पर पहुंचा। अडानी समूह पर छाए संकट के बादल, दूसरे कारोबारी घरानों तक पहुंचने के आसार नहीं। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने बीई मापदंड के आधार पर 17 कारोबारी घरानों की रैंकिंग के बाद यह दावा किया। नकदी संकट से घिरे पाकिस्तान, बेल आउट पैकेज के लिए इस महीने 170 अरब पाकिस्तानी रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। IMF से बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए तैयारी। सरकार जल्द ही नए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है। स्पेक्ट्रम को खाली करके 1 अप्रैल के बाद 5G सेवाओं के लिए ऑक्शन करने की तैयारी में जुटा टेलीकॉम डिपार्टमेंट। सरकारी बीमा कंपनियों के अडानी समूह में 347 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा को दी है जानकारी। यामाहा की सभी बाइक 2023 के अंत तक E20 फ्यूल के अनुकूल होंगी। इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर सरकार बड़े ऐलान के बाद कंपनी का फैसला। 2023-24 में कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 9 से 11% इजाफे का अनुमान। क्राइसल रेटिंग्स के मुताबिक मध्यम और भारी वाहनों के बूते लगातार 3rd साल होगी बिक्री में बढ़ोतरी। जनवरी में कारों की बिक्री 17.22% बढ़कर करीब 3 लाख यूनिट से अब तक के उच्चतम स्तर पर। टू व्हीलर्स और कमर्शियल वाहनों समेत सभी कैटेगरी में बढ़ी बिक्री। वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में भारत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। 13 देश UPI अपनाने के लिए तैयार, सिंगापुर से होगी शुरुआत। नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी ने 10वां राष्ट्रीय थैलेसीमिया सम्मेलन आयोजित किया। थैलेसीमिया के मरीज के इलाज पर 50,000 से 2 लाख के खर्च को लेकर बढ़ाई जागरूकता। जनवरी में रिटेल महंगाई दर में एक बार फिर से तेजी दर्ज की गई है। 2 महीनों से कमी के संकेत दिखा रही महंगाई दर पिछले महीने बढ़कर 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई के असर से FMCG कंपनियों ने पैकेट्स का वजन कम करना शुरू कर दिया जिससे उनके मुनाफे और बिक्री पर असर न हो। महंगाई का चाबुक चुपके से लोगों की जेब कतर रहा है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। कंपनियों ने अपने मुनाफे को कम होने से बचाने और बिक्री में बढ़ोतरी को जारी रखने के लिए फिर से अपना पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला अपनाया है। दरअसल महंगाई बढ़ते ही सबसे ज्यादा बिकने वाले छोटे साइज के पैकेट्स की कीमतें बढ़ाने से FMCG कंपनियां कतराती हैं। ऐसे में वो इनका वजन कम करके बिक्री को कम होने से रोकने की चाल चलती है। ये छोटे साइज के पैकेट्स ज्यादातर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिकते हैं जहां पर कीमत एक बड़ा मुद्दा है। ये महंगाई का दर जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा है। मैं मानता हूं आगे जाके अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और खासकर खाने पीने की पदार्थ जिसमें सीरियल यानी अनाज और बाकी सब चीजें शामिल हैं, ये अगर बढ़ती रहती है तो रिजर्व बैंक को इसमें आगे जाके हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी और शायद हम और ब्याज दरों में बढ़ोतरी जो हाल ही में रिजर्व बैंक ने की थी उसके मुकाबले अगले 2-3 महीने अगर और बढ़ोतरी रहती है महंगाई में तो शायद हम ब्याज के दरों में और EMI में बढ़ोतरी देख सकते हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव में वो कंपनियों की वजन घटाने की चालबाजी को आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे में महंगाई से मुनाफे को लगने वाले डेंट को बचाने के लिए FMCG कंपनियां बिस्किट, नमकीन, कॉफी, चाय पत्ती, दूध समेत खाने पीने की कई चीजों के दाम बढ़ाने की जगह पैकेट साइज घटा रही हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई से छोटे हो रहे पैकेटों की वजह से लोगों का बजट बिगड़ रहा है। FMCG कंपनियों ने जिन पैकेटों की कीमत बढ़ाने की जगह वजन घटाए हैं, उनमें सबसे ज्यादा बिस्किट की मात्रा में करीब 30% की कटौती की गई है। चाय पत्ती का 60 रुपए का पैकेट अब 250 ग्राम की जगह घटकर 200 ग्राम का रह गया है। नमकीन का 10 रुपए का 65 ग्राम का पैकेट अब सिर्फ 42 ग्राम वजन में आता है। मटर का भी 10 रुपए का 65 ग्राम का पैकेट अब केवल 42 ग्राम वजन में आता है। पीनट्स का 10 रुपए का 55 ग्राम वाला पैकेट अब सिर्फ 38 ग्राम वजन में आ रहा है। 10 रुपए में 7 ग्राम मिलने वाली कॉफी 5.5 ग्राम वजन में आ रही है। 950 ग्राम की टोमेटो प्यूरी अब 100 रुपए में महज 850 ग्राम ही मिलेगी। हैंड वॉश का एक पैकेट पहले 99 रुपए में 750 ml था जो अब 625 ml रह गया है। इसके अलावा जहां वजन घटाना मुमकिन नहीं था वहां कंपनियों ने दाम भी बढ़ा दिए हैं। 13.2 ग्राम वजन वाली चॉकलेट अब 5 रुपए की जगह 10 रुपए की हो गई है। नूडल्स के पैकेट का तो रेट भी 4 रुपए बढ़ाकर मात्रा पहले से कम कर दी गई है।
छोटे बच्चों का दूध पाउडर का 500 ग्राम का पैकेट जो पहले 350 रुपए का था वो अब 415 रुपए में 400 ग्राम ही मिल रहा है। इसके अलावा भी चिप्स नमकीन समेत सभी पैकेट वाले सामान का भी दाम बढ़ाया या फिर वजन घटाने का काम कंपनियों ने किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि महंगाई की मुसीबत अभी टली नहीं है और लोगों को लंबे समय तक इसका सामना करना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।